नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का ट्रायंगल शेप शॉल का डिजाइन बनाना बताऊंगी और ये बहुत आसान डिजाइन है, आप इसे बना सकते हो। और इस शॉल के डिजाइन में जो हमारा ये शॉल जो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, जो ये दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से बढ़ेगा और बीच में इस तरह से हमारे पास लूप बनते हुए जाएंगे, तो आप इसे बना सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इस शॉल के डिजाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 चेन लिया हुआ है और अभी हम यहाँ पे बल लेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट जो हमारा चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक बार। तो हमने यहाँ पे एक बार डबल क्रोशिया बनाया और इसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर 4 चेन लेंगे। 3 चेन तो हम डबल क्रोशिया के साइज के हिसाब से लेंगे और 1 चेन जो हमने यहाँ पे बीच में लेना है तो हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे। और हमने यहीं पर, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यहीं पर हमने एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने चेन लिया है तो ये दोनों कॉर्नर से, इस तरफ से और इस तरफ से हमारा शॉल का डिजाइन बढ़ेगा और बीच में हमने एक चेन लेना है और यहाँ पे 1 चेन छोड़ के हमने नेक्स्ट चेन में हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम एक चेन लेंगे और हमने यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस प्रकार से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। तो अभी हम फिर से 4 चेन लेंगे, इस तरफ घूम जाएंगे, बल लेंगे और हमने यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। दोनों कॉर्नर पे इस तरफ और इस तरफ हम एक चेन में 2 बार बनाएंगे, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। और बीच में हमने एक चेन लेना है और जो हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है इस प्रकार से। फिर से हम एक चेन लेंगे और जो हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया है वहां पे भी हमने एक बार डबल क्रोशिया करना है और एक चेन लेना है। और इस तरफ से देखिए 1, 2 और 3 जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चेन है, स्टार्टिंग में हमने 4 चेन लिया था तो एक चेन तो हमारा यहाँ पे बीच में आएगा और जो हमारा थर्ड चेन आएगा वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से एक चेन लेना है और यहीं पे हम फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा शॉल का डिजाइन। फिर से 4 चेन लेंगे और यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, बीच में एक चेन लेंगे और जो हमारे पास डबल क्रोशिया है बीच में वहां पे एक एक बार बनाएंगे। फिर से हमने एक चेन लिया और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो हमारा डिजाइन है शॉल का बढ़ता हुआ जाएगा। हमने एक चेन लिया और जो हमारे पास यहाँ पे डबल क्रोशिया है वहां पे बनाया और अभी हम लास्ट में आ गए हैं। हमने यहाँ पे एक चेन लिया और यहाँ से 1, 2 और 3 जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड चेन है वहां पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में एक चेन लेना है और फिर से हमने यहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस पूरे शॉल के डिजाइन में इसी प्रकार से हमारा पूरा शॉल का डिजाइन जो है बढ़ता हुआ जाएगा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इस तरफ बढ़ेगा ये शॉल का डिजाइन और एक इस तरफ, और आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। तो आप इस डिजाइन को कितना भी बड़ा बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।